हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल अबाउट टैक्सेस। माई सेल्फ सीए मनोज गुप्ता और ऑल अबाउट टीडीएस सीरीज में आज हम बात करेंगे सेक्शन 194I की, जो कि बात करता है टीडीएस ऑन रेंट पेमेंट्स। अगर आप किसी को भी रेंट पे कर रहे हैं तो इन दैट केस कब कब आपको टीडीएस डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है, आज हम अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, अगर आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, अगर आप GST और इनकम टैक्स रिलेटेड अपडेट्स पाना चाहते हैं। साथ ही आप विजिट कर सकते हैं हमारी वेबसाइट www.allabouttaxes.in फॉर मोर अपडेट्स ऑन GST एंड इनकम टैक्स। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 194I, कोई भी व्यक्ति अगर किसी रेजिडेंट को रेंट पेमेंट कर रहा है तो इन दैट केस उस व्यक्ति को 10% का TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट है। अगर टोटल रेंट 1,80,000 रुपीज से एक्सीड कर जाता है इन ए पर्टिकुलर ईयर, अगर एक साल के अंदर आप किसी रेजिडेंट को 1,80,000 रुपये से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हैं तो ऐसे में आपको 10% का TDS डिडक्ट करने के बाद ही रेंट की पेमेंट करनी है। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स हैं जो कि एक ऑफिस के ओनर है और उन्होंने वह ऑफिस रेंट पर दे रखा है मेसर्स एक्स वाई जेड लिमिटेड को। जो रेंट है वह रेंट है 1,00,000 रुपीज पर मंथ। तो यहाँ पर एक्स वाई जेड लिमिटेड के द्वारा टोटल रेंट 1,20,000 रुपीज का पे किया जाना है मिस्टर एक्स को। तो ऐसे में यह अमाउंट 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है तो एक्स वाई जेड लिमिटेड को 10% का TDS डिडक्ट करना होगा और 10% का TDS डिडक्ट करने के बाद मिस्टर एक्स को पेमेंट करनी होगी। यहाँ पर एक्स वाई जेड लिमिटेड के द्वारा प्रत्येक महीने में 10,000 रुपये का TDS डिडक्ट किया जाएगा और बैलेंस अमाउंट 90,000 रुपीज 90,000 रुपये पर मंथ मिस्टर एक्स को रेंट की पेमेंट की जाएगी। 10% की जो रेट दी गई है वह अगर आप लैंड एंड बिल्डिंग या फिर फर्नीचर या फिर फिक्स्चर कोई भी चीज़ आप रेंट पर देते हैं तो इन दैट केस 10% का TDS डिडक्ट किया जाना है। लेकिन अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी यहाँ पर रेंट पर दी जाती है तो इन दैट केस 10% का TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा, प्लांट एंड मशीनरी के केस में 2% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पर ध्यान रखना है, अगर कोई प्लांट एंड मशीनरी दी गई है रेंट पर और वह रेंट 1,80,000 रुपये से ज़्यादा है इन ए पर्टिकुलर ईयर, इन दैट केस जो TDS डिडक्ट किया जाएगा वह 2% TDS डिडक्ट किया जाएगा। प्लांट एंड मशीनरी के अलावा और कोई चीज़ रेंट पर दी गई है लाइक लैंड एंड बिल्डिंग, फर्नीचर, फिक्स्चर एटसेट्रा, तो इन दैट केस 10% का TDS डिडक्ट किया जाएगा। आपको यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है, अगर कोई इंडिविजुअल या फिर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली रेंट पे कर रही है तो इन दैट सिचुएशन TDS डिडक्ट करने की रिक्वायरमेंट तभी है जब उस इंडिविजुअल या हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली की टर्नओवर इन लास्ट ईयर 1 करोड़ रुपीज से ज़्यादा हो। अगर टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज से कम है तो इन दैट केस कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा बाय द इंडिविजुअल और हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स है जो कि एक ऑफिस के ओनर है, उन्होंने वह ऑफिस मिस्टर वाई को रेंट पर दिया है और मिस्टर वाई के द्वारा 1,00,000 रुपीज पर मंथ का रेंट पे किया जाना है। यहाँ पर जो मिस्टर वाई की टर्नओवर है वो इन लास्ट ईयर 1 करोड़ रुपीज से कम है तो इन दैट सिचुएशन मिस्टर वाई के द्वारा कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा, पूरी की पूरी रेंट अमाउंट 1,00,000 रुपीज पर मंथ मिस्टर वाई के द्वारा मिस्टर एक्स को पे की जाएगी। दूसरे एग्जाम्पल में, अगर मिस्टर वाई की टर्नओवर इन लास्ट ईयर 1 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है तो ऐसे में 10% का TDS डिडक्ट किया जाएगा जो कि 10,000 रुपीज पर मंथ रहेगा और बैलेंस अमाउंट 90,000 पर मंथ मिस्टर एक्स को पे कर दी जाएगी। अब यहाँ पर एक बात और आती है कि अगर रेंटल अमाउंट पर किसी तरह का कोई टैक्स चार्ज किया जा रहा है लाइक सर्विस टैक्स या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, तो इन दैट केस TDS जो सिर्फ है वह रेंट अमाउंट पर डिडक्ट किया जाएगा, वह सर्विस टैक्स पोर्शन पर या फिर गुड्स एंड सर्विस टैक्स पोर्शन पर डिडक्ट नहीं किया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर एक्स के द्वारा रेंट अमाउंट पर 18 रुपीज़ का GST चार्ज किया जाता है तो यहाँ पर जो टोटल बनता है वह 1,18,000 रुपीज़ बनता है। यहाँ पर मिस्टर वाई जिनकी टर्नओवर इन लास्ट ईयर 1 करोड़ रुपीज़ से ज़्यादा है तो ऐसे में उनको जो 10% का TDS डिडक्ट करना है वह सिर्फ रेंटल अमाउंट पर डिडक्ट करना है, GST अमाउंट पर या फिर सर्विस टैक्स अमाउंट पर कोई भी TDS डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो यहाँ पर 10,000 रुपीज पर मंथ TDS डिडक्ट किया जाएगा और बैलेंस अमाउंट 1,08,000 रुपीज मिस्टर एक्स को पर मंथ पे कर दी जाएगी।
ही आपको ध्यान रखना है, अगर पार्टनरशिप फर्म है, कंपनी है या फिर अन्य कोई व्यक्ति है जो इंडिविजुअल या एचयूएफ नहीं है, इन दैट केस अगर रेंट 1,80,000 रुपीज से ज़्यादा पे किया जा रहा है तो टीडीएस डिडक्ट किया जाएगा। जो टर्नओवर है वह ओनली इन केस ऑफ इंडिविजुअल और एचयूएफ हमें चेक करनी है। अगर इन लास्ट ईयर टर्नओवर 1 करोड़ रुपीज से ज़्यादा है तो टीडीएस डिडक्ट होगा, अदरवाइज टीडीएस डिडक्ट नहीं होगा। लास्ट में एक एग्जाम्पल और डिस्कस कर लेते हैं। मिस्टर एक्स हैं जो कि एक ऑफिस के ओनर हैं, उन्होंने वह ऑफिस एक्स वाई जेड लिमिटेड को रेंट पर दिया हुआ है जिसका रेंट है 10,000 पर मंथ। तो यहाँ पर क्या एक्स वाई जेड लिमिटेड को कोई टीडीएस डिडक्ट करना होगा? तो इसका आंसर है नो, क्योंकि यहाँ पर जो रेंट पे किया जा रहा है वह 10,000 रुपीज पर मंथ है। तो यहाँ पर जो टोटल रेंट इन ए पर्टिकुलर ईयर पे किया जाएगा वह 1,20,000 रुपीज होगा, जो कि 1,80,000 रुपीज से कम है। तो ऐसे में कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, टीडीएस तभी डिडक्ट होगा जब जो रेंट है वह 1,80,000 रुपीज से ज़्यादा पे किया जाए। और अगर इंडिविजुअल और एचयूएफ है तो आपको एक और कंडीशन चेक करनी होगी, अगर लास्ट फाइनेंशियल ईयर में टर्नओवर 1 करोड़ रुपये से ज़्यादा होगी तो ही टीडीएस डिडक्ट होगा बाय द इंडिविजुअल और एचयूएफ, अदरवाइज कोई भी टीडीएस डिडक्ट नहीं किया जाएगा बाय द इंडिविजुअल और एचयूएफ। आई होप फ्रेंड्स मेरी ये वीडियो आपके लिए यूजफुल होगी। देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए हमारे चैनल ऑल अबाउट टैक्सेस को फॉर मोर अपडेट्स ऑन जीएसटी एंड टीडीएस।